जन्म के 6 महीने बाद जैसे जैसे आपका शिशु बढ़ता है, उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, उसके पोषण से संबंधित जरूरतें भी वैसे ही बढ़ती हैं। सभी पेरेंट्स को ये चिंता होती है कि उनके बच्चे को ऐसा क्या पोषक तत्व मिलना चाहिए जिससे उनके बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और अच्छा हो। और जो हम बच्चे को स्तनपान करा रहे होते हैं, उसके साथ ही बच्चे को अन्य जरूरी पोषण तत्वों की जरूरत भी पड़ती है। आपके शिशु के जन्म के पहले 2 वर्ष के दौरान प्रत्येक भोजन का 75% हिस्सा बच्चे के मस्तिष्क के निर्माण के लिए जाता है। तो हमारा शिशु जब 6 महीने का होता है और बात आती है उसे ऊपरी आहार देने की, तो बहुत सारे पेरेंट्स को ये चिंता होती है कि अब उन्हें कौन सा ऐसा फूड शुरू करना चाहिए, कौन सी ऐसी चीजें शुरू करनी चाहिए पहले डोज आहार में जो उनके बच्चे को नुकसान ना करे और उनके बच्चे के लिए इजी डाइजेस्टिबल हो। ऐसा कौन सा फूड हो, ऐसी कौन सी चीजें हो जो उनके बच्चे के शारीरिक और मानसिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जरूरी हैं। तो आज मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से इन्हीं सब बारे में विस्तार से बताऊंगी, जिससे आपके मन में जो भी डाउट हो वो क्लियर हो जाए और आप अपने बच्चे को बहुत अच्छे से हेल्दी फूड दें, बहुत अच्छी सी हेल्दी प्यूरीज बना के दें जिससे आपके बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छा हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज नीचे दिए हुए बेल बटन पे प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे मैं जितनी भी हेल्थ रिलेटेड न्यू वीडियोस अपलोड करती हूँ उनके नोटिफिकेशन आपको बिना किसी देरी के मिल पाए। नमस्कार, मैं हूँ दीपा, वेलकम बैक टू जन्नी वुमन एंड बेबी हेल्थ केयर। आज हम आपके लिए बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग वीडियो लाए हैं जिसमें हम आपके सारे डाउट को क्लियर करेंगे। जो भी नई मॉमीज हैं, नए पेरेंट्स हैं, उनके मन में जितने भी डाउट हैं उनको आज मैं इस वीडियो से क्लियर करूंगी। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि 6 से 12 माह के शिशु के लिए अभी भी महत्वपूर्ण और मुख्य आहार माँ का दूध ही होना चाहिए। माँ के दूध से ही बच्चे को उसकी जरूरत का संपूर्ण पोषक तत्व मिलता है। शिशु के 6 महीने का होने पर हम ठोस आहार तो शुरू कर देते हैं, लेकिन ठोस आहार को आप सिर्फ बच्चे के लिए बोनस ही समझिए। मतलब ये है कि बच्चे को ठोस आहार के साथ साथ बच्चे का जो पोषक तत्व का मुख्य सोर्स है वो सिर्फ माँ का दूध ही होना चाहिए। इसीलिए हमको बच्चे को ऊपरी ठोस आहार के साथ साथ माँ का दूध भी कंटिन्यू रखना है, माँ का दूध बंद नहीं करना है। तो अब मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण बातें बताने जा रही हूँ जिसके लिए हर पेरेंट्स को चिंता होती है कि हम अपने बच्चे को पहला ठोस आहार क्या दें जिससे हमारे बच्चे का मानसिक और शारीरिक डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो और बच्चे को वो नुकसान भी ना करे। तो इसके लिए सबसे पहला पॉइंट है कि बच्चे का पहला आहार दूध और चावल का बना होना चाहिए, तो वो बच्चे के लिए ज्यादा बेहतर होगा। चावल पचने में बहुत आसान होता है और इससे हमारे शिशु को किसी भी तरह की एलर्जी का डर भी नहीं रहता है। चावल में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों होता है जिससे हमारे शिशु को एनर्जी तो मिलती ही है, साथ में जो शिशु के मांसपेशियों का डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, वो भी तेजी से होता है। और ऑफ कोर्स चावल बहुत जल्दी डाइजेस्ट होगा, बच्चे को पचाने में भी किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए आप बच्चे को जो पहला खाना शुरुआत कर रहे हैं उसको आप चावल के पानी से शुरू करिए। इसके बाद आप चावल से बने और प्रोडक्ट दे सकते हैं, जैसे आपने खिचड़ी दे दी या फिर आप खीर बना दें, इस तरह से आप चावल के दूसरे प्रोडक्ट दे सकते हैं टेस्ट बदलने के लिए। लेकिन आप पहले शुरुआत कीजिए उसको, धीरे धीरे आप उसको और मजबूत करते जाइएगा। इसके बाद दूसरा है कि आप शिशु को मूंग दाल का पानी भी दे सकती हैं। मूंग दाल का पानी भी बहुत पौष्टिक होता है, शिशु के लिए बहुत इजीली डाइजेस्ट होता है। इसलिए शुरुआत छोटी क्वांटिटी से करिए, कम क्वांटिटी से करिए, पानी से शुरुआत करिए। इसके बाद आपको बच्चे को प्योर दाल देनी है। बच्चे की बॉडी को शुरुआत में आपको मूंग दाल की आदत लगाना है, मतलब मूंग दाल के पानी से स्टार्ट करिए। जैसे जैसे बच्चा थोड़ा सा और बड़ा होता जाए, 6.5 महीने का या 7 महीने का होता जाए, धीरे धीरे आप 10 से 15 दिनों में बच्चे को मूंग दाल शुरुआत कर दीजिए। मतलब स्टार्टिंग पानी से करिए, लेकिन उसके बाद आपको प्योर मूंग दाल देनी शुरू करनी, जिससे बच्चे का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा वो स्टार्ट होगा। इसमें प्रचुर मात्रा में आयरन होता है, वो भी बच्चे को मिलेगा। दाल से आपके बच्चे को भरपूर मात्रा में विटामिन, मिनरल और प्रोटीन मिलते हैं, जिससे आपके बच्चे का जो शारीरिक और मानसिक डेवलपमेंट होता है वो बहुत तेजी से होता है। इसके बाद आपका बच्चा जब 6.5 से 7 महीने का होता है तो आप उसको फल की प्यूरी देना भी शुरू कर सकते हैं। जैसे आप केले को मैश करके अच्छे से दे सकते हैं। केले में भी भरपूर मात्रा में सभी ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी हैं। केला सुपाच्य भी होता है, बच्चे को इजीली डाइजेस्टेबल भी होता है। केले के अलावा आप फ्रूट्स में बच्चे को सेब दे सकते हैं, पपीता दे सकते हैं, या फिर जो भी मौसमी फल हो जो बच्चे को नुकसान ना करे आप दे सकते हैं। वैसे सेब और केला जो होता है वो 12 महीना आप अपने बच्चे को खिला सकते हैं, क्योंकि ये 12 महीना मार्केट में इजीली अवेलेबल है और इससे बच्चे को किसी तरह का नुकसान या एलर्जी भी नहीं है। इसके लिए शुरुआत में आपको 3 दिन तक एक ही फल को देना है। अगर आपके बच्चे को किसी तरह की एलर्जी आपको नहीं समझ में आती है
तो आपके बच्चे के लिए वो फल बहुत अच्छा है। लेकिन कोई भी फल को देने से पहले आप अपने बच्चे पे टेस्ट कर लें कि आपके बच्चे को वो नुकसान तो नहीं कर रहा, किसी तरह की एलर्जी रैशेज तो उसको नहीं हो रहे हैं। कई बार बच्चे को वो सूट नहीं करता तो बच्चे को दस्त हो सकते हैं या फिर स्किन रैशेज हो सकते हैं। इसके अलावा आप अपने बच्चे को दूध दलिया भी शुरू कर सकती हैं। दूध दलिया भी बहुत ज्यादा सुपाच्य होता है और बच्चे को किसी तरह का नुकसान नहीं होता। दूध दलिया में भी बहुत सारे फाइबर्स होते हैं जो बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जरूरी हैं। इसके अलावा आप दूध दलिया में केले को मैश करके बच्चे को खिला सकती हैं। इसके अलावा आप बच्चे का टेस्ट चेंज करने के लिए नमकीन दलिया भी खिला सकती हैं। नमकीन दलिया में आप बच्चे को मिक्स वेजिटेबल डाल दीजिए जिससे बच्चे को सभी पोषक तत्व इजीली मिल जाए। जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल है मिक्स वेज आप बच्चे को दलिया के थ्रू दे सकती हैं। आप बच्चे को खिचड़ी दे सकती हैं, खिचड़ी में भी आप मिक्स वेजिटेबल का इस्तेमाल कर सकती हैं। दलिया में भी आप मिक्स वेजिटेबल का इस्तेमाल कर सकती हैं। इससे बच्चे को जितने भी पोषक तत्व हैं वो दलिया और चावल की जो प्यूरी है खिचड़ी है उसके थ्रू बच्चे को मिल जाएगी। इसके अलावा आपको बच्चे को डेयरी प्रोडक्ट जरूर देना है। डेयरी प्रोडक्ट में आप पनीर दे सकती हैं, दही दे सकती हैं। दही को थोड़ा मौसम के अनुसार दीजिएगा, मतलब दिन में ही दीजिएगा, शाम को 4 बजे के बाद आपको बच्चे को दही नहीं देना है। तो दही में थोड़ा सा ये रहता है कि बच्चे को सर्दी ना हो जाए, इसीलिए आप थोड़ा देख लीजिएगा कि आपके बच्चे को वो नुकसान ना करे। इसके अलावा आप बच्चे को पनीर दे सकती है, पनीर से बने प्रोडक्ट दे सकती हैं। आप बच्चे की दलिया में, खिचड़ी में, प्यूरी में पनीर को अच्छे से मैश करके बच्चे को खिला सकती हैं। इसके अलावा भी आप पनीर को हाथों से भी मैश करके अपने बच्चे को खिला सकती हैं। डेयरी प्रोडक्ट से आपके बच्चे को भरपूर मात्रा में प्रोटीन और कैल्शियम मिलता है जो आपके बच्चे की हड्डियों के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा जब आपका बच्चा 8 से 9 महीने का होता है तब परिवार के और सदस्यों के साथ में आप बच्चे को खाना खिलवाना शुरू कर सकती हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि खाने को आपको अच्छे से मैश कर देना है, अच्छे से बारीक कर देना है। कोशिश करिए कि आप बच्चे को प्यूरी बना के ही दें क्योंकि बच्चे को वो इजीली डाइजेस्ट हो, क्योंकि अभी बच्चा चबा नहीं पाता है। बच्चे को चबाना अपन सिखाएंगे लेकिन 1 साल के बाद कई बच्चे जल्दी खाना खाना सीख लेते हैं, जल्दी चबाना शुरू करना सीख लेते हैं, लेकिन उसके लिए इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है। सब बच्चों का बॉडी टाइप अलग अलग होता है, लेकिन शुरुआत में आप कोशिश करिए कि आप अपने बच्चे को प्यूरी बना के दें जिससे आपका बच्चा उस खाने को इजीली डाइजेस्ट कर पाए, अच्छे से पचा पाए और बच्चे को वो नुकसान ना करे, वो गले में अटके ना। और इसके बाद तो धीरे धीरे बच्चे को हम अपने हिसाब से हैबिट डाल देंगे खाने की, तो वो परिवार के और सदस्यों के साथ बैठ के खाना सीख जाएगा। इसीलिए इतना बड़ा मैटर नहीं है, जरूरी नहीं है कि आप बच्चे को शुरुआत में ही कम मैश किया हुआ खाना दें या शुरुआत में ही आप बच्चे को बड़े बड़े अनाज खिलाने लगे। ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, बच्चा भी बहुत छोटा है, बच्चे के गले में अटक सकता है। बच्चा खाना खाना आपके हिसाब से सीख लेगा, इसलिए बच्चे को अभी से ही सब कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है। बच्चा बहुत मासूम है, सॉफ्ट सा है, बच्चे की केयर बहुत आराम से और बहुत अच्छे से करनी पड़ती है। इसलिए बच्चे को आप जो भी शुरुआती खाना दे रहे हैं उसको आप कोशिश करिए कि वो प्यूरी फॉर्म में हो, वो पतला हो। और आपको बच्चे को एकदम से पूरी क्वांटिटी नहीं दे देनी है, थोड़ा थोड़ा करके दिन में 3 से 4 बार देना है। याद रखिए कि जब तक आपका बच्चा 6 से 12 महीने का ना हो जाए, खाने के साथ साथ आपको माँ का दूध भी कंटिन्यू रखना है। इसके अलावा आप बच्चे को सूजी की प्यूरी दे सकते हैं। सूजी भी बच्चे के लिए बहुत पौष्टिक होता है। बच्चे को आप सूजी की प्यूरी में मिक्स वेजिटेबल दे सकते हैं, और लेकिन प्यूरी की जो थिकनेस हो, क्वांटिटी हो, वो भी कम हो। और सूजी बहुत ज्यादा पौष्टिक होता है आपके बच्चे के लिए। इसमें आपको भरपूर मात्रा में सारे पोषक तत्व मिलेंगे जो आपके बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल होते हैं। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि आप बच्चे को जो भी प्यूरी बना के दे रहे हो वो पतली हो जिससे बच्चे को निगलने में आसानी हो। इसके अलावा आप बच्चे को ओट्स भी दे सकते हैं। ओट्स भी बहुत अच्छा होता है बच्चे के लिए, बच्चा उसको इजीली खा भी लेता है, वो इजीली डाइजेस्ट होता है। इसमें भरपूर मात्रा में आपको सारे पोषक तत्व भी मिल जाते हैं। आप दूध ओट्स दे सकते हैं। इसके अलावा आप बच्चे को नमकीन ओट्स भी बना के दे सकते हैं। आप जितनी भी नमकीन चीजें बच्चे को बना के दे रहे हैं, आप कोशिश करिए कि उसमें सारे मिक्स वेजिटेबल्स हों जिससे बच्चे को भरपूर मात्रा में आयरन, विटामिन, मिनरल, प्रोटीन सब कुछ मिले। इसके अलावा मैं एक ऐसा वीडियो भी बनाने वाली हूँ जिसमें आपको मैं ये बताऊंगी कि बच्चे को आप किस किस तरह की प्यूरी बना के दे सकते हैं जिससे बच्चे का वेट जल्दी गेन हो। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज नीचे दिए हुए बेल बटन पे प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे मैं जितनी भी हेल्थ रिलेटेड न्यू वीडियोस अपलोड करती हूँ उनकी नोटिफिकेशन आपको बिना किसी देरी के मिल पाए। आपका लाइक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।